इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। और ये जो चैप्टर है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे यानी जो अंग्रेज थे, उन्होंने इंडिया में किस तरीके से अपना शासन स्थापित किया, किस तरीके से उन्होंने पूरे इंडिया पर कैप्चर किया, जबकि वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने आए थे, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आए थे। तो आइए इसी चीज़ को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनके यहाँ आने के समय यानी जब वो पहली बार यहाँ आए थे, उस समय में जो मुगल रूलर्स थे वो इंडिया पर रूल कर रहे थे और काफ़ी वो ताकतवर थे, काफ़ी मजबूत थे। और जो लास्ट सबसे ताकतवर मुगल रूलर था वो था औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब जो था, उसके समय में जो मुगल रूल था या फिर जो मुगल सल्तनत थी वो काफ़ी मजबूत थी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई 1707 में, तो उसकी मौत के बाद जो मुगल रूलर्स थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए। और उसके जो गवर्नर्स थे यानी मुगल शासन काल में जो गवर्नर्स थे या फिर जिन्हें सूबेदार कहा जाता है या फिर जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी ताकत को काफ़ी मजबूत किया और अपने रीजनल किंगडम्स स्थापित कर लिए, जैसे हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, इस तरीके से बहुत सारे रीजनल किंगडम्स बना लिए उनके सूबेदार्स ने और बड़े बड़े जमींदार्स ने। और इस वजह से जो दिल्ली था, जो कि पहले कैपिटल हुआ करता था पूरे इंडिया का, मुगल एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, वो अब उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा, वो उसका पावर उतना ज़्यादा नहीं रहा पहले जितना हुआ करता था। तो देखिए, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है अंग्रेज़ों के इंडिया में सक्सेसफुल होने का, कि मुगल एम्पायर अगर होता तो ये जो सल्तनत थी, मुगल सल्तनत, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और अंग्रेज किसी भी तरीके से इसको डिफीट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ या फिर मुगल एम्पायर कमज़ोर हो गया, उसके बाद बहुत सारे जो किंगडम्स बने वो आपस में बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे थे, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे थे। जैसे बंगाल का फाइट था अवध से, या फिर अवध का दूसरे जगह से, मराठा का फाइट था हैदराबाद से, हैदराबाद का मैसूर से फाइट था। तो इस तरीके से आपस में इनके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए अपने आप को यहाँ स्थापित करने में, अपने आप को यहाँ का रूलर बनाने में। तो यहाँ पर देखिए, यही चीज़ लिखा गया है कि 18 सेंचुरी के हाफ के आते आते तक यानी 1750 के बाद जो ये ब्रिटिशर्स थे, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके थे और इनका जो पॉलिटिकल पावर था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा था, और इसके साथ ही इनका जो मिलिट्री पावर था ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा था। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बताया गया कि देखिए, क्या आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने आए थे, और वो सिर्फ छोटी सी कंपनी थी, यानी वो यहाँ से सामान खरीदते थे और विदेश में जाकर बेचते थे, और वो छोटी सी कंपनी थी उनकी। और यहाँ पर वो किसी भी तरीके से टेरिटरीज एक्वायर नहीं करना चाहते थे, उनका कोई मकसद नहीं था यहाँ पर टेरिटरी एक्वायर करने का या फिर यहाँ के रूलर बनने का, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करके प्रॉफिट कमाना चाहते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से वो यहाँ के रूलर बन गए और इतने बड़ा एम्पायर उन्होंने यहाँ पर स्थापित कर लिया, इसी चीज़ को यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर वो जब वो यहाँ पर एम्पायर बनाना ही नहीं चाहते थे, यहाँ पर वो रूलर बनना ही नहीं चाहते थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी सल्तनत उन्होंने यहाँ पर खड़ी कर ली, यहाँ पर उन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत बैठा ली। देखिए, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है बहादुर शाह जफर की, और उनके बेटों को यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है, उसकी तस्वीर है। इसके बाद इस चैप्टर का यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक आता है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, वो इंडिया में आती है, इंडिया हम कह लें या फिर ईस्ट कह लें, ईस्ट में क्योंकि आपका इंडिया भी हो जाता है इधर, आपका इंडोनेशिया, चाइना, ये सभी रीज़न आपके यहाँ पर आ जाते हैं मैप में, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ इंडिया की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई कैसे, इंडिया में उसका आगमन कैसे हुआ। तो देखिए, 1600 में, 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको जो रूलर ऑफ इंग्लैंड थे क्वीन एलिजाबेथ वन थी, मैंने थे बोला, जो रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ वन से एक चार्टर प्राप्त हुआ, और उस चार्टर के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी यहाँ पर इस रीजन में, ईस्ट रीजन में आकर व्यापार नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही इस रीजन में व्यापार करेगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये चार्टर होता क्या है। चार्टर एक तरीके का आदेश होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके की परमिशन होती है कि सिर्फ यही कंपनी जो है
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर बात किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ यहाँ पर ट्रेड करेगी, उसके अलावा कोई भी कंपनी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकती है, और अगर ऐसा करती है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है या फिर और भी मुकदमे उस पर चल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ये जो चार्टर है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की कंपनियों पर लागू होता है, ये यूरोप के, फ्रांस के, या फिर जो डच कंपनीज थी या फिर दूसरी जो कंपनीज थी उनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की कंपनीज को रोकता है कि वो यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते हैं, और यही चीज़ लिखा गया। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रेडिंग कंपनी या फिर ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपीट नहीं कर सकती है, यानी इस रीजन में आकर ट्रेड नहीं कर सकती है। तो देखिए, इस चार्टर की वजह से जो कंपनी थी वो इस रीजन में आई और यहाँ पर उसने बहुत सारे नए इलाके खोजना शुरू किया जहाँ से वो सामान खरीद कर और जाकर अपने इलाके में यानी इंग्लैंड में और यूरोप में जाकर बेची और अच्छा मुनाफा कमाए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको किसी भी तरीके का कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा था इंग्लैंड में, तो इस वजह से वो आसानी से यहाँ पर अपने इलाके को खोज सकती थी कि कहाँ से उसे सामान खरीदना है, कहाँ पर जाकर बेचना है, ये सभी चीज़ें वो कर सकती थी। और उस समय ये चीज़ काफ़ी प्रचलित था कि आप अगर कहीं भी ट्रेड करना चाहते हैं या फिर ये जो बिजनेस है मर्सेंटाइल वाला बिजनेस है कि आप एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पर सबसे आसान तरीका था कि आप अपने कंपटीशन को हटा दें, कि आपके कंपटीशन में कोई ना रहे, तो आप आसानी से अकेले जाकर ट्रेड करें और अपने मन मर्जी के अनुसार आप सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो यहां पर आगे पैराग्राफ में यही बात की गई है जिसका मैंने पहले बताया कि देखिए, जो रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसने इंग्लैंड की कंपनीज को तो रोक दिया कि वो इंडिया में आकर सामान खरीदे या फिर बेचे जो भी करे, लेकिन उसकी उस चार्टर की वजह से जो दूसरे यूरोपियन पावर्स थे जैसे कि फ्रांस हो गया, डच हो गया, पुर्तगाल हो गया, वहां के जो कंपनीज थे वो यहां पर आ सकते थे, उनके ऊपर किसी भी तरीके की बंदिश नहीं थी, किसी भी तरीके की रोक नहीं थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, इंडिया में आई थी, तो उनके यहाँ पर पहुँचने से पहले ही यहाँ पर जो पुर्तगीज थे वो यहाँ पर अपना प्रेजेंस स्थापित कर चुके थे और उनका बेस जो था वो था गोवा में। और इस एक चीज़ और हमें यहाँ पर जान लेनी चाहिए कि जो वास्को डिगामा है जो कि पुर्तगीज एक्सप्लोरर था, उसने सी रूट इंडिया के लिए 1498 में ही खोज लिया था, और अर्ली 17th सेंचुरी में जो डच थे वो भी इस रीजन में आना चाह रहे थे, और इसके साथ ही जो फ्रेंच थे वो भी यहाँ पर इस रीजन में पहुँच चुके थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कंपटीशन हटाने की कोशिश कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बावजूद उसको यहां पर इंडिया में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। और देखिए, ये जो कंपटीशन है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एक रीजन था जिसके वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खुद को काफी ज्यादा मजबूत कर रही थी। क्योंकि देखिए, यहां पर बात आती है कि जब ट्रेडिंग की बात आती है तो ये सभी कंपनीज जो थी वो एक ही चीज को खरीदना चाहती, यानी सेम चीज को खरीदने के लिए सभी कंपनीज, सभी देशों की कंपनीज यहां पर आ रही थी, और वो चीजें थी आपका फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन यानी कॉटन की अच्छी क्वालिटी, और इसके साथ ही सिल्क, और इसके साथ ही जो पेपर क्लॉथ्स या फिर दूसरे तरीके के जो मसाले हैं वो यहां पर वो खरीदने चाहते थे और उसको जाकर बेचना चाहते थे अपने इलाके में। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो कंपटीशन थी इन कंपनीज के बीच में, इस कंपटीशन की वजह से जो प्राइसेस थी यहाँ पर सामानों की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि एक कोई मान लीजिए 20 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है, तो अगला 21 देने के लिए तैयार है, उससे अगला 25 देने के लिए तैयार है, एक 30 देने के लिए तैयार है, तो इस तरीके के कंपटीशन की वजह से जो ट्रेडिंग थी उसमें जो प्राइसेस थे सामान के, गुड्स के, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, और इस वजह से जो प्रॉफिट था वो भी काफ़ी ज़्यादा घट रहा था। इस वजह से जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो हमेशा ये कोशिश करती थी कि जो उनके कंपटीटर्स हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाए, किसी भी तरीके से उनको खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, ताकि वो अकेले ट्रेडिंग करें, अकेले जाकर वो मार्केट करें और अपने मन मर्जी दाम पर वो आसानी से चीज़ों को खरीद सकें। और इस तरीके के कंपटीशन को बाहर करने की कोशिश में ही जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो आपस में हमेशा फाइट करते रहती थी। वो शिप्स से जाते थे तो जो ब्रिटिशर्स थे वो फ्रेंच के शिप डुबो देते थे, फ्रेंच जो थे वो ब्रिटिशर्स के शिप डुबो देते थे या फिर उनके रास्ते को रोक देते थे। इस तरीके की कोशिश वो हमेशा करते रहते थे ताकि जो उनका कंपटीशन वाला है आदमी, यानी जो भी कंपटीशन में है
कोई भी कंपनी वो चीज़ों को ट्रेड ना कर सके, उसको कहे भी लॉस हो और वो जो है वो सामान को खरीदना बंद कर दे। और इसके अलावा जो ट्रेड था उसके लिए वो काफ़ी हथियार, गोला बारूद भी अपने साथ रखते थे। और इसके साथ ही जहाँ पर वो अपने सामान को रखते थे, ट्रेडिंग पोस्ट जो होते थे उनके, उसके लिए वो फोर्टिफिकेशन भी किया करते थे, उसको एक किले नुमा आकार दे दिया करते थे ताकि वो खुद को बचा सके, अपना सामान को बचा सके। और ये जो एफर्ट था सेटलमेंट को फोर्टिफाई करने का, किलाबंदी करने का, और इसके साथ ही जो प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने का, इसके वजह से जो ये कन्फ्लिक्ट था ये लोकल रूलर्स के साथ भी हो गया। देखिए मेन जो इनका मकसद था फोर्टिफिकेशन का, वो था कि इनका जो राइवल है या फिर इनके जो एडवर्सरी है वो इनको परेशान ना करें या फिर इनके जो बिजनेस है उसको किसी भी तरीके से प्रभावित ना करें। लेकिन ये जो किलेबंदी थी ये वहाँ के जो लोकल रूलर्स, जैसे बंगाल में सिराजुद्दौला या फिर मद्रास के रूलर या फिर आपको गोवा या फिर गुजरात के रूलर, इन रूलर्स को भी पसंद नहीं आ रही थी कि आप मेरे इलाके में आकर आप किला कैसे बना लिया, आपने ये किला किलेबंदी कैसे कर ली, ये चीज़ें ये वहाँ के भी रूलर्स को भी पसंद नहीं आ रही थी। तो इन चीज़ों की वजह से जो कंपनी थी वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि वो ट्रेड और पॉलिटिक्स को अलग अलग करके रखे, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करे, पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान ना दे। तो इस वजह से जो कन्फ्लिक्ट ग्रो हुआ, उस कन्फ्लिक्ट के वजह से आगे जा चलकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको लोकल रूलर्स के साथ भी फाइट करना पड़ा। और इसके बाद अब हम बंगाल का एग्जाम्पल देखेंगे, तो बंगाल में क्या हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।